वेलकम टू माय चैनल मेरी छोटी सी दुनिया। तो आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी चिकन की रेसिपी, जो कि है हरियाली चिकन। तो चलिए, हरियाली चिकन की रेसिपी के लिए हमें क्या क्या चाहिए, आइए चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है वो है दही। मैंने यहाँ पे 1/4 कप दही लिया है। उसके साथ ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट एंड 1/2 टीस्पून गार्लिक पेस्ट। उसके साथ ये है नमक, नमक स्वाद अनुसार। ये है गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून। ये है कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर 1 टीस्पून। और ये है क्यूमिन पाउडर 1/2 टीस्पून। ओके, और उसके साथ जो कि मेन इंग्रेडिएंट है वो है पुदीना। यहाँ पे मैंने 1 मुट्ठी से 2 मुट्ठी पुदीना के पत्ते लिए हैं। ओके, अभी इन सारे चीज़ों को हम एक एक करके मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करते हैं। चलिए, सारे चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड करने के बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून क्रीम। ये मेरे घर पे बनाई हुई क्रीम है, आप चाहे तो मार्केट से भी परचेस कर सकते हैं। ओके, तो ये पेस्ट हो गया है रेडी। यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 kg चिकन। आप उसी हिसाब से मसालों को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, इन सारे चीज़ों को मैं लाइक 1 आवर के लिए इस पेस्ट में डुबो के रखूँगी, और चाहे तो ज़्यादा भी रख सकते हैं, ओवरनाइट भी रख सकते हैं, लेकिन 1 आवर इज़ मिनिमम, आपको रखना ही है। अभी मैंने एक पैन लिया, उसमें रिफाइंड ऑयल डाला, क्योंकि मुझे अभी चीज़ों को फ्राई भी करना है, इसीलिए रिफाइंड ऑयल डाल के थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ मैं। बाद में इस तेल को मैं सेपरेट कर दूँगी। ओके, पहले इसको फ्राई करना है, इसीलिए मैंने तेल थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। आप उस हिसाब से डालिए कि आपका चिकन अच्छे से फ्राई हो जाए। आपको गैस को मीडियम से लो रखना है, गैस को फुल नहीं करना है। जब आप तेल को गर्म करेंगे तब फुल कीजिए, जब तेल गर्म हो जाए तब मीडियम कर दीजिए, उसके बाद ही आप सारे चिकन को एक एक करके डालें। और मैंने तेल इसीलिए ज़्यादा डालने के लिए बोला है ताकि नीचे से चिपके ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे मसाले लगे हुए हैं, ऑब्वियसली नीचे से तो चिपकेंगे ही। लेकिन अगर आप तेल थोड़ा ज़्यादा डाल रहे हैं और नॉनस्टिक के पैन में बना रहे हैं तो नीचे से बिल्कुल नहीं चिपकता। तो आपको क्या करना है कि 5 मिनट रुक रुक के इसको चेंज करना है पोजीशन, ताकि ऊपर नीचे से अच्छे से ये फ्राई हो जाए और अंदर से भी पक जाए। ओके, गैस को हमेशा मीडियम से लो रखें। अगर आपको लगा कि गैस थोड़ा हाई है तो बिल्कुल ही लो कर दीजिए। यू कैन सी चिकन अच्छे से फ्राई हो चुका है, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउनिश कलर का हो चुका है। इसी टाइम पे मैं क्या करूँगी कि यहाँ से जो एक्स्ट्रा तेल है वो मैं निकाल लूँगी, क्योंकि हमें इतना सारा तेल तो चाहिए नहीं। और यहाँ पे मैं बाकी जितने सारे मसाले बाकी थे ना ये बनाने के लिए, उसके लिए 1 टेबल स्पून तक मैं ऑयल छोड़ दूँगी कढ़ाई में, और वहाँ पर वो जो बैटर मैंने रेडी किया था वो मैं यहाँ पर डाल दूँगी। वाह, क्या टेस्टी लगता है ना ये, जब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ इसका स्मेल ही बहुत अच्छा आ रहा है। आप इसको बिल्कुल मत फेंकिए, इसको ही यहाँ पे डालिए और इसका ही ग्रेवी बनाइए। ग्रेवी आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, चाहे तो ड्राई कर दीजिए, चाहे तो इसको थोड़ा सा ग्रेवी ग्रेवी ही रखिए। मुझे इसका ड्राई पोर्शन बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसका जितना सारा मसाला है ना ये चिकन में कोट हो जाता है, तो बहुत टेस्टी लगता है। और अगर आपको इसको ग्रेवी ही खाना है तो एक काम कीजिएगा कि इसको पूरी तरह से सुखा लीजिएगा, उसके बाद आपको जितना सारा ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप पानी डालिए, फिर इसको थोड़ा सा ग्रेवी बनाइए, क्योंकि मसालों को ना अच्छे से पकना पड़ेगा, तभी जाके इसका ग्रेवी भी टेस्टी होगा। कि लास्ट में मैं इसको सुखा चुकी हूँ, पूरी तरह से सुखा चुकी हूँ। जब ये सूख जाता है तभी आप इसमें पानी ऐड कीजिए, अगर आपको ग्रेवी वाला हरियाली चिकन चाहिए। ठीक है, जब तक कि इसका पानी जो है, जो मसाला है, अच्छे से सूख ना जाए, आप तब तक इसको पकाएं। गैस आप मीडियम रख सकते हैं, लेकिन अगर आप गैस फुल करना चाहें तो आपको बिल्कुल ही सतर्क रहना होगा कि आप सामने ही खड़े रहो। ओके, और 2-3-4 बार मतलब ढक ढक के इसको पकाएं, ताकि चिकन अंदर तक भी पक जाए, क्योंकि हमने फ्राई किया था ना
पक्का तो नहीं था शायद से अंदर तक, मैंने चेक भी किया था, अंदर थोड़ा सा कच्चा है, इसीलिए मैं 2-3 बार इसको ढक ढक के पका रही हूँ। और इसको लास्ट में, लास्ट का 2-3 मिनट मैंने गैस को फुल कर दिया। अभी इसको सूखने के लिए रख दूँगी, क्योंकि जब ये सूख जाता है ना बहुत यम लगता है। और लास्ट में आपके अकॉर्डिंगली आप चिली डालो, क्योंकि मैं ये बच्चों को भी खिलाने वाली हूँ, इसलिए एक ही चिली डाल रही हूँ लास्ट में स्प्लिट करके। आप चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा तीखा चाहिए तो। लास्ट में मैं यहाँ पे कुछ फ्राइड अनियंस डाल रही हूँ। इससे क्या होता है ना, इसका एक अरोमा आता है, बहुत अच्छा स्मेल आता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। ओके, तो बस हो गया। और थोड़ा 2 मिनट के लिए मैं गैस को फुल करके रख दूँगी, ताकि इसका जितना सारा मसाला है अच्छे से सूख जाए। और बस रेडी, हमारा हरियाली चिकन रेडी। आप इसको सादे चावल के साथ भी खा सकते हैं, पुलाव के साथ, बिरयानी के साथ, रोटी नान सब के साथ, पराठों के साथ भी खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। रोटी के साथ तो बहुत अच्छा लगता है, लाइक पराठा नान इन सारे चीज़ों के साथ बहुत अच्छा लगता है। सो आप लोग ट्राई कीजिएगा। तो आप देख ही पा रहे हैं कि इसका कंसिस्टेंसी कैसा हो चुका है, हमें बिल्कुल ऐसा ही कंसिस्टेंसी चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि चिकन अच्छे से कुक हो चुका है एंड द रेसिपी इज़ टोटली डन। मसाले अच्छे से सूख चुके हैं, मसाले चिकन के साथ अच्छे से कोट हो चुके हैं। और अगर किसी को ग्रेवी चाहिए तो इसी टाइम पे थोड़ा सा पानी ऐड कीजिए, जितना आपको ग्रेवी चाहिए उतना ही आप इसमें पानी ऐड कीजिए, और इसको 2 मिनट के लिए या 1-2 मिनट के लिए उबाल आने दें, एंड योर ग्रेवी हरियाली चिकन विल बी रेडी। ओके, देख सकते हैं कि मेरा चिकन परफेक्टली रेडी हो चुका है, मुझे ऐसी कंसिस्टेंसी में ज़्यादा टेस्टी लगता है। आपको जैसे पसंद है आप वैसे बना लीजिए। सो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू सो 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 मच फॉर वॉचिंग।